ਚੜ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਬਣਾਤੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि जी आज जुम्मे, सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह उठ गया, तैयार शहर हो गए जुम्मे के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं जी जुम्मा पढ़ते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद देखते हैं आज का क्या रूटीन है, क्या क्या काम है। तो सबसे पहले जुम्मा पढ़ने चलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं जो जो काम होंगे वो आपके साथ इंशाल्लाह आज की रूटीन शेयर करते हैं। तो जी सबसे पहले जुम्मा पढ़ने चलते हैं। A few minutes later. जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जी जुम्मा पढ़ के आ गए घर। अब जी हमने जाना है अपने बड़े प्यारे भाई हैं, एक उनकी शॉप पे जाना है, गारमेंट्स की शॉप है। उधर जाके आपको साथ इंशाल्लाह शॉप विज़िट करवाते हैं, साथ उनसे भी मिलवाते हैं। तो जी टाइम थोड़ा है, अब सबसे पहले उधर चलते हैं, फिर बाकी की देखेंगे क्या रूटीन है, क्या करना है। सबसे पहले जी हम उधर दुकान पर जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो दुकान पर जाकर आपको विज़िट कराते हैं, खुद भी वहीं से मिल। जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जी हम आ गए अपने भाई की शॉप पर। ये हैं जी हमारे भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, ठीक है सब लोग? हमदा भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक ठाक। कब से शुरू कर दिया व्लॉगिंग? सर चैनल तो साल पहले का बना, रेगुलर आप हुए हैं जी। बड़ी अच्छी बात है, जाहिर सी बात है जो मुल्की हालात चल रहे हैं, व्लॉगिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बाकी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अल्लाह आपको कामयाब करे और कैरी ऑन रहे, इसको छोड़ना नहीं। सोशल वर्क, सोशल नेटवर्क इस टाइम बहुत पावरफुल वाला हर बंदा जा रहा है, और आप भी ट्राई करें इंशाल्लाह, ज़रूर आपको भी कामयाबी मिलेगी। हार नहीं माननी, मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। ये इस लाइन के पीछे बहुत सारे मतलब निकलते हैं, तो इसका मतलब मेन मकसद ये है कि इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, मतलब दम तक लड़ना चाहिए। वी शैल फाइट अंटिल आई डाई, सो कैरी ऑन एंड सक्सेस इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी आपको। लेकिन हर काम के पीछे एक मेहनत है, वो आपने करनी है इंशाल्लाह जी। ये जी हमारे भाई हैं, हमने बड़े ज़्यादा काम शाम करके देखी है, एंड हमारे पास ऑप्शन बची थी ब्लॉगिंग की है। तो बाकी इनको दिखाएं सबको, गारमेंट शॉप हमारा बिजनेस है इंशाल्लाह। जो इसका गारमेंट शॉप का सारा एक हम शॉर्ट बनाएंगे, उसके अंदर लोकेशन नंबर वगैरह हर चीज़ उस शॉर्ट के अंदर देंगे। बाकी आपको एक छोटा सा विज़िट करवा देते हैं ब्लॉग के अंदर। जी ये है जी भाई की शॉप, टोटल जो है ना प्रीमियम क्वालिटी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कंप्लेन हो। 100% जो है ना ओके गारमेंट्स होता है, जो जिसमें कंप्लेन नहीं होती, वॉशेबल गारंटी होती है, एंटी पीलिंग, ये टोटली वैरायटी है हमारे पास, क्वालिटी वर्क जो है। कोई आता है भाई जाना आपके रेफरेंस से, तो इंशाल्लाह ज़रूर उससे कॉपरेट किया जाएगा और उसे एक अच्छी डीलिंग के साथ जो है ना डिस्काउंट देंगे और चीज़ उसकी पसंद की देंगे कि वो नेक्स्ट दोबारा आए। चर साहब असीं जाए हाँ तुहाडे कोल व्लॉग बनाती अपनी आईडी देण लग पए हो नहीं तुसीं व्लॉग शुरू कीता फिर असीं ना बिजनेस ना वे नाश्ते देना सी ना जो साडा काम है उहनूं ते प्रमोट करना सी ना थोड़ा जिहा। जी बिल्कुल जी ऐसे ही है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई के साथ मीटअप हो गया, बड़े दिन हो गए भाई मुझे बुला रहे थे, मैं एक दो जगह बिजी थे, सोचा से आ नहीं सका। आ नहीं थे, इन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी, किस वजह से ये फिर उधर मसरूफ हो गए थे, तो फिर हमारे पास कहाँ आना था इन्होंने। जी जी आज फ्री हुए हैं, तो मैं कहा भाई के पास लाजमी जाए, नाराज हो रहे थे भाई। तो जी अब घर चलते हैं, घर में कुछ काम है इंशाल्लाह। नहीं नहीं यार अब चाय शाय पी के तो फिर जाना यार, आपको कोई खिलाते पिलाते हैं ठीक है इंशाल्लाह जी चाय शाय भाई से पी के अब घर चलते हैं, घर जाके इंशाल्लाह देखते हैं कोई काम होगा तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी नुमान भाई की शॉप से भी होकर घर आ गए हैं, काम शाम सारे अपने कम्प्लीट हो गए हैं। अब जी आपके भाई को घर का एक छोटा सा सिर्फ काम है, वो करने जाना है, तो वो करेंगे साथ इंशाल्लाह उधर ब्लॉग एंड करेंगे, तो उधर चलते हैं फिर इंशाल्लाह ब्लॉग एंड करते हैं। जी तो दोस्तों हम घर से निकल गए हैं, ये अब घर के एक दो जो काम थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, अब सिर्फ जी हमें एक काम है वो जी पानी लेना है, वो लेते हैं, तो इंशाल्लाह जी व्लॉग को एंड करते हैं। जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जी पानी लेने आ गए हैं। ये जी हमारे सियालकोट का बहुत
अच्छा फिल्टर है कहीं जो सियालकोट के अच्छे अच्छे फिल्टर हैं उनमें से एक ये अच्छा फिल्टर है, ये भी जिसने बनाया हुआ माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो बाकी ये कि हम ब्लॉग किधर एंड करते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो जी इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में।